हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर वेरी वेल लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के कुछ एम क्वेश्चंस के डिस्कस किए थे सो so, आज हम सेकंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके कुछ एम डिस्कस करेंगे सो so, फर्स्ट हमारे पास है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि टू किंगडम क्लासीफिकेशन जो है वो दी थी हमारे हॉग्सले लेने सेकेंड विच ऑफ द फॉलिंग इज़ यूज इन बायो केमिकल एंड जेनेटिक वर्क सो बायो केमिकल जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज़ किया जाता है इफ़ अ साइंटिस्ट हैज़ टू नेम अमिलर स्पीशीज़ ही शुड स्टडी द तो सिमिलर स्पीशीज़ को तब नेमिंग की जाती है तो उसके लिए आइसोटाइप जो है उसकी स्टडी करते हैं बायोनॉमियल नॉमल क्लेचर जो है वो लीनियस ने दिया था नेक्स्ट क्वीन जो है वो ऑप्टेन किया जाता है पक्सिनिया से अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन विच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर मैम्ब्रेन सो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है वो मोनेरा नहीं कंटेन करता विच ऑफ द फॉलिंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन तो हमें सबको पता है कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर जो है वो लाइकेंस होता है बिकॉज ये पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं करता जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पता है मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड पे बेस्ड होता है एनाटॉमी पे बेस्ड होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव पटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय तो पटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है वो वायरॉइड्स के थ्रू होती है बैक्टीरिया दैट लाइव इन हॉट स्प्रिंग्स आरकॉल्ड जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं उनको हम थर्मो एसिडियोफिल्स बोलते हैं रेड टाइड्स इन सी अपियर ड्यू टू तो रेड टाइड्स जो होती हैं बेसिकली वो डाइनोफ्लैज की वजह से होती हैं ट्राइफेनोसोमा कॉसिस तो हमें पता है ट्रिफेनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस दर्थ सेक्शुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्शुअल ऑर्गन्स आर एबसेंट आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फंग तो हमें पता है कि जो हमारे पास इस तरीके का जो फीचर शो करते हैं हमारी बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं द साइंटिस्ट हुए द ग्रुप प्रोटिस्टा बोथ यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल इज तो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था so हैके स फ़ोर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आई होप यू लाइक द वीडियो इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके कंटिन्यूएशन में ही होगी एम सी क्यूज़ के ताकि आपके और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिले बिकॉज एग्जाम्स बहुत नियर आ चुके हैं सो आपके बहुत हेल्पफुल करेगा थैंक यू